आज जो हमने न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारी पंचायत हल्का केवल लोअर के तमाम आंगनवाड़ी मराठी में, ये जो न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट की है आज हमने, ये बाकायदा तौर पे हमारी जो ग्राम पंचायत की प्रोक्योरमेंट कमेटी है बिल्कुल जिस तरीके के साथ डिपार्टमेंट की सरकार की गाइडलाइन थी कि जो न्यूट्रिशन है वो ग्राम पंचायत में जो प्रोक्योरमेंट कमेटी तश्कील दी गई है उसी के ज़रिए से बाकायदा तौर पे कोटेशंस जो हैं लोकल वेंडर्स से कॉल की जाएंगी और उसी तरीके के साथ हमने कोटेशंस कॉल की बाकायदा तौर पे बुद्दल और गिरदोनवा इलाका जात के जो भी हमारे रजिस्टर्ड शॉपकीपर्स थे, मार्केटिंग सोसाइटीज थी, जो भी लोग थे, तो हमारे पास जो कोटेशंस पहुँची उनमें जो कोटेशन एक्सेप्ट की गई कमेटी की तरफ से बाकायदा तौर पर उसी रजिस्टर्ड शॉपकीपर से हमने न्यूट्रिशन परचेज की और आज अपने तमाम आंगनवाड़ी मराकज में जो है न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट की है। इसके साथ साथ में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम सरपंच साहिबान से गुजारिश करता हूं कि जिस तरीके के साथ आज हमने ग्राम पंचायत केवल में बाकायदा तौर पे न्यूट्रिशन परचेज करके अपने आंगनवाड़ी मराकज में डिस्ट्रीब्यूट की है, ठीक इसी तरीके के साथ आपको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, आपके पास DTO पावर है, पैसा आपके अकाउंट में आता है, लिहाजा आपको भी चाहिए, तमाम सरपंच साहिबान को चाहिए कि न्यूट्रिशन जो है वो खुद परचेज करें और अपने आसपास में जो भी आपके ज्यूरिसडिक्शन में आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये फ़ायदा है कि आपका जो इलाके में लोकल वेंडर है, लोकल रजिस्टर्ड शॉपकीपर है या मार्केटिंग सोसाइटी है, जब आप वहाँ से परचेज करेंगे तो वहाँ के लोकल बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको जो क्वालिटी चाहिए न्यूट्रिशन की वो क्वालिटी आपको मिलेगी। तीसरा ये फ़ायदा है कि जैसे हमने न्यूट्रिशन परचेज की है, अगर हम यही न्यूट्रिशन मार्केटिंग सोसाइटी से परचेज कर लेते जिस तरीके के साथ हमारे ICDS का जो विंग है उसके जो ऑफिसर साहिबान ने अलग अलग मार्केटिंग सोसाइटीज से जो न्यूट्रिशन परचेज की है, अगर हम भी वहीं से परचेज करते तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है रेट्स में, यानी आज से उसी से आप न्यूट्रिशन जो है प्रक्योर करके आंगनवाड़ी सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये बहुत बड़ा एक आपका नेकी का काम हो जाएगा समाज के अंदर। एक जो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ये घोटाला है, पिछले दिनों में हमारे ब्लॉक में भी, बुद्दल ब्लॉक में भी जो हमारा ICDS का बुद्दल ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ लड़कियों को ICDS का जो हमारा विंग है उसके जो मुतलका ऑफिसर साहिबान हैं उन लड़कियों को कोटरंका में बुलाया और वहाँ पे उनको किट्स दिए छोटे छोटे जिनमें उन्होंने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन प्रक्योर करके 1600 रुपए का उनको दिया। लेकिन जब वो किट ओपन की उन लड़कियों ने घर में आके तो उनमें मुझे लगता है कि जो भी सामान था वो सड़ा गला हुआ पुराना आउटडेटेड और उनमें कीड़े पड़े हुए थे, यह हालत है हमारे डिपार्टमेंट की। लिहाजा हम सरपंचों का PRIs मेंबर्स जितने भी हम तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि जो आपके पास ताकत आई है उसका सही इस्तेमाल करें ताकि लोगों को फायदा हो। हेलो,